पे 4 एंट्री फाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं, सामने माफियाज होने वाली है। सो माफियाज बनाम 4 एंट्री स्पोर्ट, चाहे यहाँ पे चोटी बाई क्लैश हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में हमें फाइट देखने को डेफिनेटली हर एक मैच में देखने को मिलेगी। ये दोनों टीमें अब एक दूसरे को ढूंढी लेती हैं कि कहां पर है। मेरे को लग रहा है ये दोनों टीमें सोच के आई हैं भाई आज हम अलग खेलेंगे, बाकी सबको खेलने दो, आज हम अपने अपने ही कर लेंगे। तो लेकिन ये है कि इस बार कोई क्लैश नहीं था, लेकिन रोटेशन के टाइम पे वहां पर 4 एंडी आ गई है बीच में, तो अभी दोनों का एक एक प्लेयर खत्म हो चुका है। बाकी देखते हैं कि इस बार कौन जीता है। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई टीम यहाँ पे पूरा खत्म होने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई एक प्लेयर यहाँ से निकल ही जाता है और वो दोबारा रिवाइज दे देते हैं। अभी आपने देखा है कि यहाँ पर 4 एंडी के लास्ट प्लेयर हैं एपी, वो वहां से निकल गए हैं। मेरे को लगता है कि डिलीट ने शायद उनको नोटिस कर रखा है पूरे प्लेयर गैपिंग मार के आ चुके हैं सामने को, एक प्लेयर को टेक डाउन कर लेगा। यहां पे माफिया पर टेक डाउन हो रखे हैं, फाइट चल रही है क्रोनो के अंदर, कौन किसको नॉक करने वाला है। कुछ पर जरा बॉनफायर का यूज यहां पर हो रहा है और यहां पर लिखी प्लस तो कर रहे हैं, तो क्या प्लस कर पाएंगे। डिलीट भी नॉकआउट हो चुके हैं, बाला भाई के यहां पे हेल्थ नहीं होने वाली, ऊपर से योगी कूदते हुए नजर आ रहे हैं, योगी भी टेक डाउन हो चुके हैं यहां पर। तो देखते ये फाइट शायद लगभग माफिया अपने खाते में कर चुके हैं, 5 किल शायद यहां पे लिखी के नाम हो चुके हैं। 5 पैक से मुझे निशान आया था